धान खरीद की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने बताया कि जनपद में धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगा। धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए निर्धारित है तथा जनपद में कुल 91 धान क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पीसीएफ के 51, खाद्य विभाग के 19, यूपीपीसीयू के 15, यूपीएक्रो के 1, कर्मचारी कल्याण निगम के 3 और भारतीय खाद्य निगम के 2 हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में धान खरीद के लक्ष्य 9,14,000 मैट्रिक टन निर्धारित है। किसानों के पंजीकरण के आधार पर धान खरीद की जाएगी। इसके लिए अधिक से अधिक किसान अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण का सत्यापन एसडीएम द्वारा कराया जाएगा। वैसे आपका जो लक्ष्य पूरा करने के लिए कितने जरूरत था? लक्ष्य पूरा करने के लिए सर इस बार जो फार्मूले आए हैं सर, पहले होते से हमको कई बार उसको रोटेट करना है, हमारा उस सफिशियंट सर इस बार जो लक्ष्य हिसाब से कितना है, मतलब बोरा भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइशल मीटर सब है सर, माइशल मीटर सबके पास है सर, एजेंसी लोग भी आए होंगे सर, एजेंसी पीसीएफ से सबसे ज़्यादा आप ही होगा सर, क्योंकि और जेंडर आपका है, माइशल मीटर हर जगह है ना, उसका कैलकुलेट करिए, मतलब सही करा के रखना होगा, मार्केट में क्योंकि वजह ही झगड़ा होता है। और दूसरा ये जो वार्ड महापरियाली से जो थौल वाले मशीन है उसको भी सर्टिफाई कराना जरूरी है। आप अगर जो कितने सेंटर है वो लिस्ट ले लेना, अभी से सर्टिफाई करा के दे देना। जुलाई का क्या स्थिति है सर? इस बार तो धान के लिए थोड़ा सा परिवर्तित है सर, और राइस मिल का धान ढुलाई का परिवहन करता होता था, एजेंसी का था, इस बार सर मिलर्स को ही सर वो जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो धान जो है एफसीआई को डिलीवर करेगा मिलर, ये नया हो गया कि धान भी उसको उठा के ले आना है सेंटर से। बात करा लेंगे प्रॉब्लम आ रही है वो मिलर्स के साथ है, तो उनके संबंध पे अभी मिलर्स आए हुए हैं हमारे यहाँ 38 टोटल, मिलर सेंसर और 38 टोटल।